पत्थर की मस्जिद चौधरी टोला सुल्तानगंज थाना जिला पटना के, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय पटना में सिविल डिवीजन संख्या 69/2018 दाखिल किया था, जिसके द्वारा इन्होंने बिहार स्टेट वक्फ ट्राइब्यूनल ने जो इविक्शन अप्लीकेशन नंबर 3/2016 था, जो बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के प्रयास से फाइल किया गया था, और उस केस को 11/9/2017 के द्वारा बिहार स्टेट वक्फ ट्राइब्यूनल ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए यह आदेश किया कि जो आवेदक की पुश्तैनी भूमि है और जिस पर उनका कानूनी कब्जा भी रहा है और कानूनी कब्जा चला आता रहा है, उस पर गैर कानूनी ढंग से एक आदेश या वक्फ बोर्ड के द्वारा वक्फ एक्ट की धारा का दुरुपयोग करते हुए मुनीर हसन की निजी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया और बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने गैर कानूनी हरकत करते हुए, नियम की अनदेखी करते हुए, बगैर नियम का पालन किए हुए और बगैर किसी दस्तावेज या साक्ष्य के आधार पर यह घोषित कर दिया कि मुनीर हसन और उनके परिवारजन सभी के सभी अतिक्रमणकारी हैं, और उस आधार पर एक सो कॉल्ड जांच रिपोर्ट तैयार की गई और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने आदेश पारित किया कि आवेदक अपने परिवार सहित उपरोक्त भूमि जो उनकी निजी भूमि है उसको वक्फ संपत्ति मानकर जो निर्णय दिया गया है उसको खाली करें। उसके बाद जब खाली नहीं किया गया और इस संदर्भ में इन्होंने एक इविक्शन एप्लीकेशन बिहार स्टेट वक्फ ट्राइब्यूनल में दाखिल किया, तो बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया। साथ में इन्हें आदेश दिया गया कि उपरोक्त भूमि को यह खाली कर दें, जबकि इस संदर्भ में जो सच्चाई यही है कि वो भूमि शिया वक्फ बोर्ड की कभी भी नहीं थी और शिया वक्फ बोर्ड के पास इस संदर्भ में कोई भी साक्ष्य नहीं था, फिर भी गैर कानूनी तौर पर इनके विरुद्ध आदेश पारित हुआ, और उस आदेश के आलोक में पटना सिटी के SDO साहब ने कानून को तिलांजलि देते हुए वक्फ एक्ट की धारा 55 का भी पालन नहीं किया और आनन फानन में एक ऐसे दिन को चुना जिस दिन माननीय उच्च न्यायालय में ग्रीष्म अवकाश भी था और रविवार का दिन भी था। वैसी स्थिति में गैर कानूनी ढंग से असामाजिक तत्वों का सहारा लेते हुए आवेदक को एवं आवेदक के परिवारजनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। ये मामला फिर माननीय उच्च न्यायालय में सिविल डिवीजन संख्या 69/2018 में, जो मैंने पूर्व में कहा है, फाइल करते हुए आवेदक ने शिया वक्फ कोर्ट के आदेश और बिहार स्टेट वक्फ ट्राइब्यूनल के पारित आदेश दिनांक 11/9/2017 के विरुद्ध दाखिल किया। माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड और बिहार स्टेट वक्फ ट्राइब्यूनल का आर्डर दोनों ही गैर कानूनी है और गैर कानूनी आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया और साथ ही यह स्पष्ट निर्देश दिया कि इस आदेश के आलोक में अग्रेतर जो भी कानूनी कार्रवाई की गई है उस आदेश के आधार पर उसे गैर कानूनी माना जाएगा और वह कर्तव्य गैर कानूनी होगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उनके जो कर्मचारी हैं और उनके जो असामाजिक तत्व सहयोगी हैं, उन्होंने मिलकर इनके जो बने बनाए घर हैं उनको रात्रि में तोड़ा है और अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक के पास ये स्वतंत्रता हासिल है कि न्यायिक प्रक्रिया में जाकर न्याय की गुहार लगाए। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से बिहार शिया वक्फ बोर्ड के मेल में है और कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से बच रहा है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है, जो घोर चिंता का विषय है कि इस सुशासन राज्य में भी शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है और नियम को तिलांजलि दी जा रही है। हम फिर माननीय उच्च न्यायालय में पुनः आग्रह करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के